ये छपरी वाली हरकत है मत करिए क्योंकि क्योंकि जो है ये हरकत है आपको महंगा चालान एंड आपको बहुत सारी मेजर इंजरीज दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपका इस नए वीडियो में। एंड अभी संकेत भाई कर रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर से ग्राफिक्स को रिमूव। अब रिमूव करने का पर्पज पीछे का ये है दोस्तों कि मैं हो गया था ये जो वाले ग्राफिक्स थे ना इनसे थोड़ा सा बोर, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इन्हें लगवाए लगवाए। और अब हमारे जो सौरभ भाई हैं, मित्र हैं हमारे, उन्होंने अब दुकान को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया पहले से। अभी ये पूरी दुकान इन्होंने रेंट पे ले ली है। सो अब मगर जब दुकान बड़ी हुई है, काम बड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे अपनी बाइक पे भी थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना। नई शॉप, नया सारी चीज़ें, सो नए ग्राफिक्स भी होने चाहिए, तभी तो मित्र होने का कोई ना कोई बेनिफिट अपने को मिलेगा। सो इसीलिए दोस्तों मैं आ गया हूँ आज सौरभ भाई के पास में। एंड अभी संकेत भाई फटाफट से ये जो पुराने ग्राफिक्स हैं इनको निकाल देंगे, निकालने के बाद में हम नए ग्राफिक्स इस पे लगाएंगे। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत छोटा सा होने वाला है, बट आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो हम ग्राफिक लगाने वाले हैं वो थोड़े से स्पेशल हैं। सो वो स्पेशल ग्राफिक्स अगर आपको देखने हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी ओपिनियन, क्वेश्चन, क्वेरी या गाली वाली देने का मन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। साथ ही मैं मिल जाऊंगा आपको इंस्टाग्राम पे @bikebone21, वहाँ भी दे सकते हैं। तो अभी ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसे ग्राफिक्स थे पहले। ये 350 लिखा हुआ था, यहाँ पे GT लिखा हुआ था और उधर GT 350। वो तो क्या है कि थोड़ा सा मैं यार थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो वापस से कुछ नया करते हैं, कुछ यूनिक करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कितना यूनिक होता है कितना नहीं। पहले तो संकेत भाई ये निकाल लें, इतने मैं चलता हूँ सौरभ भाई के साथ बैठ के और ग्राफिक्स डिज़ाइन करता हूँ, करता क्या हूँ, इनकी हेल्प से करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों स्टिकर्स तो हमने फाइनल कर लिए हैं, अभी बारी है कटिंग होने की। कटिंग ही सबसे ज़्यादा मेन प्रोसेस होता है, कटिंग एंड एप्लीकेशन दो चीज़ें। एंड यहाँ पे अभी है क्या कि अपने मित्र के पास में नहीं है प्रॉपरली कलर्स अवेलेबल, ये जो आप देख रहे हैं रैप इन सब में। सो हमें कलर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट इन फ्यूचर हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ और बेहतर कर लेंगे। अपनी दुकान है, ऐसी कोई समस्या वाली बातचीत है नहीं। जब तक ये आदमी जिंदाबाद हैं तब तक कोई समस्या वाली बात नहीं है, बदलते रहेंगे। और अभी तो आने वाले टाइम में इसका जो ये ब्लैक है, पूरा जो टैंक का जो कलर है ना ब्लैक, वो पूरे कलर को ही चेंज कर देंगे उसको, पूरा कलर मतलब नार्डो ग्रे अब क्या लेके आएंगे, मैंने रिवील कर दिया बट इसको नार्डो ग्रे करने का मेरा मन है। हाँ सौरभ भाई, कब जाओगे मार्केट अब के? 12 तो नार्डो ग्रे लाओगे डेफिनेटली। सो इस बार नार्डो ग्रे आएगा दोस्तों। और हमने ग्राफिक्स लिए हैं ये, अब ये कितने अच्छे लगेंगे ये तो नहीं पता, बट फिलहाल तो अच्छे लग रहे हैं। अब देखते हैं कितने अच्छे लगते हैं कितने नहीं लगते, देखना यही है कि निकलने के बाद ये कैसे लगते हैं। सो गाइस ट्राई तो कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा ये अभी पता नहीं है। कोशिश तो यही है कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट निकल के आए, अभी देखते हैं कैसा निकल के आता है। सो दोस्तों अभी कुछ ऐसा लुक आ रहा है निकल के, आप लोग बताइएगा लिख के कमेंट बॉक्स में कि कैसा लुक आ रहा है। मेरे को तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, पर सौरभ भाई को संतुष्टि नहीं हो रही है। वो ये कह रहे हैं यार ये ट्राइम जो है ना ये थोड़ा सा ऊपर हो गया और थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो अब मेरे को ये लेट करवाएंगे जो ट्राइम पे, इसको वापस से काट के दूसरा लगाएंगे। ये देखो दोस्तों अब दूसरा काटा है, दोनों साइड के निकाल के ये रे अब दोबारा लगाएंगे खुद से, मतलब मेरे को लेट करवाने में लगे हुए हैं, मेरे को जाना है, बट इन्हें चाहिए परफेक्शन, काम हो तो परफेक्शन से हो वरना ना हो। सो दोस्तों फाइनली हमारा रैप का काम डन हो चुका है एंड मैं निकल गया हूँ जयपुर के लिए एंड जयपुर पहुँच भी चुका हूँ। पीछे का व्यू देख के आप लोग समझ गए होंगे। सो आई होप दोस्तों कि ये वाला जो रैप है ये आपको अच्छा लग रहा होगा, ये देख सकते हैं। एंड हमारे पुराने वाले फॉग लैम्प्स भी वापस आ गए, क्योंकि ये राइड जो है मैं 3-4 दिन बाहर ही रहने वाला हूँ, सो नाइट में बहुत ज़्यादा ट्रैवल होगा, सो दैट्स वाई ये वाले फॉग लैम्प वापस आ गए। सो अभी आप मेरे को बताइए देख के कि कैसा लग रहा है आपको अपना ये नया वाला लुक अपनी बाइक का, कितना अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फोटो वोटो खींच रहे हैं, ये देखो
बट यार एक ही रिक्वेस्ट है यार, पता नहीं मतलब जयपुर को लोगों ने छपरियों का शहर बना दिया, धीरे धीरे राजाओं का शहर होता था बट अब चूतियों का शहर हो गया है। रीजन भैंचुद, हर पब्लिक स्पेस जो कि सुंदर है वहाँ उसको जनता गंदा करने में लगी हुई है। बट छोड़िए, हम इन लोगों की बात नहीं करते, हम अपनी बात करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को रैप, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलूंगा कल शाम को 9:15 बजे, तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करिए, ये छपरी वाली हरकतें मत करिए क्योंकि जो है ये हरकतें आपको महंगा चालान एंड आपको बहुत सारी मेजर इंजरीज दे सकती हैं। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू टुमारो एट 9:15 सार। जय हिंद, जय भारत।